Welcome to my YouTube channel Positive Track. Join us to prepare yourself for competitive exams. Assalamualaikum friends. Welcome to my channel Positive Track. आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होती है एंड हाउ वी कैन फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन एंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है. इस वीडियो में हम कंप्लीट ये जानेंगे, इसकी थ्योरी जानेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करेंगे. ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो क्या होती है. तो रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड की क्वांटिटीज की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम रेशियो बोलते हैं. सिंपली ए रेशियो बी, इसमें ए जो होता है वो है एंटीसीडेंट एंड बी इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट. तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी किसी तरह के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं. ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या होती है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज नोन एज प्रोपोर्शन. इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन वी कैन राइट इट एज ए रेशो बी. आगे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, प्रोपोर्शन का साइन है, जिसे हमने डिफाइन कैसे किया, दी इक्वालिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. तो प्रोपोर्शन की साइन आपने याद रखना है कि कौन सा साइन. दो डॉट लगाते हैं तो रेशो, अगर हमारे पास ये जैसे चार डॉट लगे हुए हैं तो इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, सी रेशो डी. इसकी मज़ीद डिटेल जानते हैं. ओके फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा हुआ है ए एंड सी आर कॉल्ड एक्सट्रीम. इसमें ए एंड डी ये वाली वैल्यूज इसमें एक्सट्रीम होती हैं और बी और सी इसे हम मीन कहते हैं. और फ्रेंड्स, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. मीन टू से जब मैं एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ये इक्वल होगा बी सी, मतलब जब हम मीन को मल्टीप्लाई करवाएंगे. मतलब कहने का है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के. इसी हवाले से नीचे एक एग्जांपल मैंने इंसर्ट की है, आइए इसको हल करते हैं, हमें मज़ीद क्लियर होगा. तो फ्रेंड्स, रेशियो जो होती है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5:x इज इक्वल टू 5x. अभी मैंने बताया प्रोपोर्शन क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, तो इसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ. अब 5:8 5/8. फ्रेंड्स, अगर आपने कोई कम्पिटेटिव एग्जाम दी है तो आपने देखा होगा अननोन वैल्यूज फाइंड करने वाला एक से दो क्वेश्चन लास्टमी होता है मैथ के पोर्शन में. तो इसमें भी वही है कि आप अननोन वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है. सिंपल है, आपके पास आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है. 5 × 8 40 एंड 5 × x 5x. वी हैव टू फाइंड द अननोन वैल्यू विच इज x. अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे डिवाइड. 5 × 5 5 × 8 40. सो आपके पास आंसर आ गया 8. ओके फ्रेंड्स, देखें इजी क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट आपको इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. एक से दो क्वेश्चन आप इसके हल करेंगे और ये थ्योरी याद रख लेंगे तो आपके इस तरह से रेशो और प्रोपोर्शन के हवाले से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे. आगे हम चलते समझेंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होती है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होती है, मीन प्रोपोर्शन क्या होती है और इक्विवेलेंट रेशियो क्या है. ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से, इसको कंप्लीट देखिएगा. ओके फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि हम फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं. अगर हमें तीन वैल्यूज दी गई हों तो हम सिंपल इसको 1:3 प्रोपोर्शन का साइन, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करनी है तो फोर्थ प्रोपोर्शन की जगह पे एक्स लिख लें. आपको जनरल एक्सप्रेशन में पहले बता चुका हूँ, तो सिंपल है 1:3 को आप 1/3 लिखें. प्रोपोर्शन होता है इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, इक्वल लिखें 6:x. एक्स जो है फोर्थ प्रोपोर्शन है, वो हमने फाइंड करनी है. क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 6 × 3 18, x × 1 x. देखिए फ्रेंड्स, कितना टाइम लगा,
जस्ट आपको अगर फार्मूलाज याद हैं, आपको थ्योरी का पता है, एक से दो क्वेश्चन आप इस तरह के हल कर लेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। देखिए, हमने एक मिनट में फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड कर ली। ओके फ्रेंड्स, अब हम फाइंड करते हैं, फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमने फाइंड करनी है। आपके पास तीन वैल्यूज दी गई हैं, तो सिंपल है, 2:9 प्रोपोर्शन का साइन। अब थर्ड है तो थर्ड प्लेस पे हम एक्स पुट कर देंगे, 15। सो 2:9 इज 2/9। प्रोपोर्शन इज इक्वालिटी ऑफ 2:, एक्स ओवर 15। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 9 × x 9x, 15 × 30, वी हैव टू फाइंड x, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों एक ही टेबल पे सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 3 × 10 = 30, 3 × 3 = 9, सो 10/3 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, देखा कितना इजी है कि हमने फोर्थ प्रोपोर्शन पहले फाइंड करना सीखी, अब थर्ड। इसी तरह अब हम नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमने फाइंड करनी है कि मीन प्रोपोर्शन। अब हमें दो वैल्यूज दी गई हैं, अब हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, 1:x प्रोपोर्शन x:9। आपने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1:x प्रोपोर्शन की जगह पे मैं इक्वल लगा देता हूँ x:9। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, 9 × 1 = 9, x × x = x2, सो x² विल बी इक्वल टू √9। और ओके फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू √9, तो हमें पता है √9 3 का जब हम स्केयर करेंगे तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ आप स्केयर रूट लें तो x विल बी इक्वल टू 3। तो फ्रेंड्स, ये था कि हमने किस तरह थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना सीखी। पहले हमने इसकी थ्योरी को सीखा कि किस तरह प्रोपोर्शन क्या होती है और रेशो क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास एक और थिंग है कि इक्विवेलेंट रेशो क्या होती है, आइए वो भी सीखते हैं। नेक्स्ट जाने से पहले फ्रेंड्स, एक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ये गलती से लिख दी है मैंने, यहाँ एक्स आएगा, क्योंकि जब मैंने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो सिंपली मेरे पास एक्स बच जाना है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाना है। और आगे मैं सिंप्लीफिकेशन आपको बता चुका हूँ कि √9 इक्वल होता है 3 के। ओके फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट रेशियो, व्हेन बोथ द एलिमेंट्स ऑफ द रेशियो आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, द वैल्यू ऑफ द रेशियो इज नॉट चेंज। सिंपल है कि आप रेशियो की जो दोनों साइड पे वैल्यूज है उसको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं या सेम से डिवाइड करवाएं, तो आपके पास जो नई रेशियो आएगी वो इक्विवेलेंट रेशियो होगी। तो इसकी एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखी हुई एग्जांपल 1:2, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6, तो मेरे पास 3:6 इज इक्विवेलेंट टू 1:2। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाता हूँ दी वैल्यू ऑफ द रेशियो इज नॉट चेंज, इसे ही हम इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। इसी तरह फ्रेंड, जब मेरे पास 4:8 है, अगर मैं दोनों को 2 पे डिवाइड करवा दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 × 2 = 4 एंड 2 × 4 = 8। सो 4:8 के इक्विवेलेंट रेशियो जो है वो है जी 2:4। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इस लेक्चर में हमने समझा कि रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है, थर्ड फोर्थ और मीन प्रोपोर्शन क्या होती है, और इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है, थर्ड फोर्थ और मीन प्रोपोर्शन को हमने फाइंड करना सीखा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अब ये समझ आती होगी।
अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हवाले से ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं।